हेलो दोस्तों, मैं हूं सहनशाह बख्शी और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें हमारे साथ है बजाज पल्सर 1N60। बजाज ने इस बाइक को पिछले एक साल में दो बार अपडेट कर दिया है। सबसे पहले जो इसका अपडेट आया था, जो इसके आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये आपका फुल्ली डिजिटल हो चुका था, लेकिन अब आपको यहाँ पे USD फोक देखने को मिलेगा, वो भी गोल्डन के अंदर में है। और ये बहुत ही मैसिव चंकी साइज का आपको यहाँ पे USD फोक देखने को मिल जाता है, और भी काफ़ी अच्छी अच्छी इसके अंदर में फीचर्स आपको मिलने वाला है। तो कंप्लीट डिटेल में रिव्यू देने वाला हूँ आपको, मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप दिल्ली में बजाज का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो तो आप बग्गा लिंक करोल बाग में विजिट करें, आपको यहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए बाइक्स मिल जाएगी और अच्छे डिस्काउंट भी मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं बाइक के प्राइस से। तो यहाँ जो प्राइस होने वाला है, एक्स शोरूम प्राइस की बात कर लूँ तो दिल्ली के अंदर में 1,40,000 अराउंड होने वाला है इस बाइक का। और डिज़ाइन आप देखेंगे, डिज़ाइन जो है इसका काफ़ी स्लीक और काफ़ी बल्कि सा डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन से। यहाँ आप फ्रंट डिज़ाइन देखेंगे, जो इसका हेड लैम्प है आप देखेंगे, यहाँ पे आपको DRL देखने को मिल जाएंगे, साथ साथ आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। जो इसका वाइजर है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पे वाइजर देखने को मिल जाएगा। ये सॉलिड है काफ़ी, आपको कहीं से भी लचकता हुआ नहीं दिखेगा। बाकी यहाँ पर आपको वाइजर के ऊपर ही कलर्स वगैरह इंसर्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ अगर आ जाते हो आप तो यहाँ पे देखोगे जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है बाइक का, वो है इसका USD4, जो कि आप गोल्डन के साथ में आने वाला है। यही आपको मेजर चेंजेस बाइक में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, जो आपके USD4 है। बाकी यहाँ आपको ड्यूल चैनल ABS मिलने वाला है, तो यहाँ पे इसकी आपको डिकेल्स मिल जाएंगे मड गार्ड के ऊपर में। मड गार्ड की बात करें तो आपको ये ड्यूल टोन में होने वाला है, मेटेलिक ब्लैक और आपके मैट ब्लैक के अंदर में। ये थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल में दिखेगा, लेकिन ये आपका हार्ड होने वाला है। बाकी यहाँ देखेंगे आप, जो आपके सस्पेंशन है उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, जो आपके मर्स वगैरह डस्ट वगैरह यहाँ नहीं जाएंगे, तो ये अच्छी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। बाकी आप टायर वगैरह को देख लेंगे तो यहाँ पे जो आपका फ्रंट टायर है वो 100 सेक्शन का मिलने वाला है। बाकी एलॉय का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ब्लैक डॉट के अंदर में यहाँ आपको एलॉय मिल जाएंगे। और टायर सेक्शन की बात कर ले तो 100x80R17 इंच का आपको यहाँ पे टायर देखने को मिल जाएगा। अगर हम ब्रेक सिस्टम की बात कर ले तो यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, और साथ साथ जो क्लिपर्स हैं वो आपको ग्रेमिका के यहाँ पे क्लिपर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि सिंगल पिस्टन होने वाला है। और साथ साथ आपको यहाँ पे ABS रिंग भी देखने को मिल जाएंगे। बाइक के साथ आपको ड्यूल चैनल ABS होने वाला है, तो आपके रियर में भी ABS मिल जाएगा। मतलब इस सेगमेंट में सबसे पहले बजाज 1N60 में ही ड्यूल चैनल ABS ऑफर किया गया था। बाकी जो आपके फ्रंट व्हील पे जो आपके रिम है, इस पर भी आपको कलर इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे रेड और वाइट के साथ, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो बाइक का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। जो साइड लुक की अगर बात कर लें तो यहाँ पे आपको डिकेल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके टैंक के ऊपर में, ये आपको न्यू डिकेल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको वाइट और रेड का इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ आपको डिजाइनिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि बढ़िया लग रहे हैं। कट्स और एज आपको यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वो 14 लीटर का होने वाला है। टैंक भी काफ़ी अच्छे साइज़ का यहाँ रखा गया है। टैंक के ऊपर भी आपको यहाँ पे कुछ डिकल्स वगैरह इसके बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको ग्रे के साथ होने वाला है। और जो पल्सर की ब्रांडिंग रखी गई है, ये आपको 3D के अंदर में रखी गई है, जो कि आपके मेटेलिक ब्लैक के अंदर होने वाला, बहुत ही इसका अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे निकल के आता है। बाकी जो फ्यूल फिलर कैप है आपका, आप देख सकते हैं, ये आपको ब्लैक के अंदर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे E20 की आपको स्टिकरिंग यहाँ पे की गई है। बाकी यहाँ पे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये सब अच्छी चीज़ें दी गई है। यहाँ पर अगर सीट की बात कर लें तो आप सीट देखेंगे, जो राइडर के लिए स्पेस है ये काफ़ी अच्छा स्पेस होने वाला है। कुशनिंग इसकी अच्छी है, मतलब आप लंबी राइड पे भी अगर जाते हो तो आपको नीचे से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप बड़े कंफर्ट होकर गाड़ी को चला पाएंगे। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि इस बाइक में आपको स्पोर्टी लुक के साथ साथ बहुत ही बढ़िया कंफर्ट भी मिलने वाला है। यहाँ देख लेंगे, जो आपका पिलियन के लिए स्पेस मिल जाता है वो भी ठीक है, बड़े आराम से यहाँ पे भी पिलियन बैठ पाएंगे। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिल जाता है, जिसका जो डिज़ाइन है काफ़ी स्पोर्टी रखा गया है, बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग यहाँ पे आपको इससे मिल जाएगी। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं, जो आपका रियर में फेंडर है, इसके ऊपर जो आपके N160 के डिकेल्स देखने को मिल जाएंगे, और कई जगह आपको अच्छे डिजाइनिंग एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपकी बाइक और भी न्यू लगती है और आपको एक फ्रेश लुक देने वाली है। अगर हम इंजन की बात करें तो यहाँ आपको 164 सीसी का ये एयर कूल इंजन होने वाला है। हालांकि पहले जो 160 आ रही थी उसमें आपको ऑयल कूल मिलता था, लेकिन अब यहाँ से ऑयल कूलर हटा दिया गया। आप देखेंगे आपको यहाँ पे कहीं पे भी ऑयल कूलर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बजाज इसे कहता है कि आपके इंजन में हीटिंग जैसी कोई प्रॉब्लम अभी भी नहीं होने वाली है, ये एयर कूल ही अब होने वाली है। बाकी यहाँ इंजन के ऊपर आप देखेंगे बजाज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ जो आपको पावर मिलता है वो अराउंड 16 हॉर्स पावर का मिलता है, और अगर टॉर्क की बात कर लें तो 14 Nm का आपको यहाँ पर टॉर्क मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आप देख सकते हैं,
ग्राउंड क्लीयरेंस आपको देखने में कम लग रहा होगा, एक्चुअली है भी कम ग्राउंड क्लीयरेंस। यहाँ पे 160 mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे राइडर और पिलियन एक साथ बैठते हैं तो ये थोड़ा ग्राउंड क्लीयरेंस और भी कम जाएगा, तो यहाँ ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहिए था। बाकी यहाँ पे आप इंजन कॉल देखेंगे, इसका जो डिज़ाइन है ये बहुत ही अच्छा रखा गया, मतलब आपके इंजन पे, इंजन को ये प्रोटेक्ट करने वाला है मर्स वगैरह से, जो कीचड़ वीचर है वो आपके इंजन पे जाके नहीं चिपकेंगे। बाकी यहाँ पे आप फुटरेस्ट वगैरह की क्वालिटी देख सकते हो। यहाँ पे आपके जो रियर के ब्रेक लीवर हैं उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा रखा गया है जिसमें थोड़ी सी ग्रिपिंग भी है, अगर आपके शूज वगैरह में कुछ मर्स लगे हैं तो वो स्लिप नहीं करेगा, अच्छी आपको ग्रिपिंग मिल जाएगी। और अगर एग्जॉस्ट की यहाँ पे बात करें तो एग्जॉस्ट जो आपको मिल जाता है वो अंदर वैली एग्जॉस्ट मिल जाता है। आपकी गाड़ी अगर ज़्यादा डीप वाटर में भी जाती है तो यहाँ इंजन में पानी जाने का कोई भी चांस नहीं है, तो यहाँ पे बजाज ने एक बढ़िया सा काम किया है। रियर में जो अगर सस्पेंशन को देख लेंगे तो यहाँ पे आपको नाइट्रोक्स गैस फिल सस्पेंशन मिल जाता है। रियर में जो टायर है ये आपका 130 mm का होने वाला है, अगर ये वहीं 140 mm का होता तो और भी अच्छी ग्रिपिंग हो पाती, गाड़ी रोड पर और अच्छे से प्लांट हो पाती। यहाँ पे अगर हम टायर सेक्शन की बात कर लें तो यहाँ पे 130/70 R17 का आपको टायर मिल जाता है। अब रियर से ऐसा लुक टायर का आपको मिलने वाला है, FG वगैरह में आपने देखा है वहाँ 140 mm का टायर मिलता है। बाकी यहाँ पे जो आपके टायर हगर हैं इसका जो साइज है ये अच्छा रखा गया है, मतलब आपके नीचे से लेके यहाँ तक बहुत अच्छे से इसकी कवरिंग की गई है, जो पिलियन जो यहाँ बैठेंगे कहीं ना कहीं मर्द से इसको प्रोटेक्शन मिलने वाला है। बाकी रियर में जो आपके टायर्स हैं इसके रिम पे भी आपको रेड और वाइट के इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे ये सब बढ़िया चीज़ें दी गई है। अगर हम रियर प्रोफाइल की बात कर लें तो सबसे पहले हम गाड़ी को अभी ऑन कर लेते हैं, बाइक अभी ऑन हो चुकी है। अगर आप इसके रियर प्रोफाइल को देखोगे तो यहाँ पे जो इसका टेल लैंप है वही पल्सर का सिग्नेचर टेल लैंप है, जो पल्सर सीरीज के सारे बाइक्स में देखने को मिल जाएगा। LED के अंदर में है, काफ़ी इसका अच्छा डिज़ाइन निकल के आ रहा है। और यहाँ पे जो आपके टर्न सिग्नल्स हैं ये आपका देख सकते हैं, ये LED के अंदर में होने वाला है, ये आपको KTM वगैरह की बाइक्स में भी देखने को मिल जाएंगे, ड्यूक वगैरह में। तो ऐसे यहाँ पे अच्छे इंडिकेटर्स अच्छी क्वालिटी का दिया गया, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है लेकिन अगर छोटा मोटा कुछ सटता है तो आपका ये टूटेगा नहीं। अभी मैं आपको ये ऑन करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ जो आपका टर्न इंडिकेटर से ऐसे ब्लिंक होने वाला है, तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी दी गई है। और बाइक के अंदर में आपको हज़ार लाइट्स यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे आप अपने नंबर प्लेट्स को लगा सकते हैं और नीचे में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, तो ये सब चीज़ें अच्छी आपको रियर में मिलने वाली है। वहीं अगर हम बाइक के दूसरे साइड में देख लेंगे तो यहाँ पे आपको लेडी फुटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको साड़ी गार्ड जरूर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ यहाँ पे बजाज ने दिया है। बाकी आपको यहाँ पे चैन कवर वगैरह आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक के साथ ही होने वाला है। क्वालिटी इसकी ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब सही है, स्टेडी है, ये आपका लचकता नहीं रहेगा, कहीं से ये इरिटेटिंग साउंड वगैरह नहीं करने वाला है। बाकी आपको यहाँ पे अच्छी बात है कि बाइक में आपको सेंट्रल स्टैंड भी मिलता है और आपको साइड स्टैंड तो मिलता ही है। यहाँ जो आपका साइड स्टैंड है ये आपका इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ होने वाला है। बाइक के साथ जो आपको गियर बॉक्स मिलते हैं ये 5 गियर बॉक्स मिलने वाला है, फर्स्ट डाउन 4 अप के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और आप बात कर लेते हैं इसके हैंडल की, तो हैंडल पे आप देखेंगे सबसे पहले हैंडल माउंट जो है, यहाँ स्विच गियर की क्वालिटी जो है वो बहुत ही फाइन रखी गई है। यहाँ आपका इंजन कट ऑफ स्विच होने वाला है, यहाँ से आप अपने प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो मिलते हैं उसको ऑन ऑफ कर सकते हो जब आपकी गाड़ी ऑन द वे है, जब आप इसको यूज कर रहे हो। नीचे में आपको यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है। बाकी ग्रिप वगैरह आप देख सकते हैं, अच्छी ग्रिपिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और जो आपका ब्रेक लीवर है वो कुछ ऐसा होने वाला, कोई एलुमिनियम का आपको यहाँ पे ब्रेक लीवर नहीं मिलने वाला है। बाकी जो आपके साइड मिरर है उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा होने वाला है। विजिबिलिटी अच्छी है इसकी, आपकी बाइक अगर 8,000 RPM पे है तब जाके थोड़ी सी आपको इस पर वाइब्रेशन फील होने वाली है। बाकी यहाँ दूसरे साइड हैंडल पे देख लें तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स के स्विच मिल जाते हैं, यहाँ पे आपका हॉर्न का प्लेसमेंट है। यहाँ जो आप बटन देख रहे हैं इसको टॉगल करके आप अपने इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे जो मोड्स वगैरह हैं उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके हाई बीम, लो बीम और पास वाले स्विच यहाँ मिल जाते हैं। बाकी जो इसका क्लच लीवर है वो काफ़ी लाइट है, इवन कि आप एक उंगली से भी बड़े आराम से इसको यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे क्लच लीवर बढ़िया मिलने वाला है। अब हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। उससे पहले अगर मैं की बात कर लूं तो यहाँ पे आप की देखेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी वेब की नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे आपको नॉर्मल की ही मिल जाता है। इस पे आपको बजाज का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, तो इसको हमने इंसर्ट कर लिया है। अब इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है ये फुल्ली डिजिटल के साथ होने वाला है। इसका जो ग्राफिक्स है बहुत ही अच्छा रखा गया है। यहाँ पे आपको RPM देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर होने वाला है, यहाँ पे आपके गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको फ्यूल वार्निंग लाइट्स ऑन है। बाकी बाइक के साथ आपको कई सारे मोड्स देखने को मिलेंगे, 3 मोड्स मिल जाते हैं। अभी आपकी बाइक रेन मोड पे है तो यहाँ पे आप रेन आपको दिखा हुआ मिलेगा, आपको यहाँ रोड मोड भी मिलता है और ऑफ रोडिंग मोड भी यहाँ पे मिलने वाला है। और आप बात कर लेते हैं बाइक पे अगर आप बैठते हो तो आपको कैसा कंफर्ट और कैसा पोस्चर मिलने वाला है। सबसे पहले मैं सीट हाइट की बात कर लेता हूँ, 795 mm का सीट हाइट है और मेरी हाइट 5'7" है। फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ,
प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब एक साइड मेरे को थोड़ा बाइक लीन करना पड़ रहा है, तब जाके मैं फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ। तो अगर आपकी हाइट भी अगर 5'6" 5'7" है तो आराम से आप इस बाइक को चला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बात कर ले इसके फुट रेस्ट की, तो इसका जो फुट रेस्ट है बहुत ज़्यादा एम्प्टी की तरह ऊपर नहीं है, तो आपको लंबे रूट पे या लॉन्ग राइड पे आपको डिसकम्फर्ट फील नहीं होने वाला है। बाकी जो इसका हैंडल है, आप हैंडल को देख सकते हो, यहाँ जो हैंडल है वो थोड़ा आगे की साइड में है, तो इससे थोड़ा सा आपका एग्रेसिव लुक होने वाला है और आपको कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपके शोल्डर पे ना ही आपके बैक में। तो यहाँ पे जो हैंडल है इसका वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और बात कर लेते हैं इसके माइलेज की, तो यहाँ आपको माइलेज 45-47 का मिल जाएगा इस बाइक से। जो ऑलरेडी इस बाइक को ऑन किए हैं, जो चला रहे हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है कि ये बाइक 45 का माइलेज तो आपको बिल्कुल निकाल के देगी, सिटी के अंदर भी अगर आप चलाते हो तो। तो आप कमेंट करके बताइए कि पल्सर N160 आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।